जैसा कि मुझे मेरी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में और कुछ एक दो वीडियोस और हैं जिसमें लोगों ने कमेंट करके मुझसे स्पेशली ये चीज़ पूछी है कि मैम अगर कोई स्क्रैपिंग करना चाहता है तो इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं क्या? तो इसी बात का जवाब मेरी इस वीडियो में है। तो देखिए, ये जो होता है ना कि हाँ स्वैपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसे रूल रेगुलेशन वाली चीज़ें तो कुछ होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, इस तरह से कुछ है। लेकिन हाँ, सतर्कता बरतनी ज़रूरी होती है। मतलब अगर कोई नए कपल हैं और वो स्वैपिंग जैसी चीज़ें करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनकी फैंटेसी है, डिज़ायर है, वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फेक लोगों की कमी नहीं है। फेक कपल भरे पड़े हैं जो ब्लैकमेलिंग या उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो अगर आप स्वैपिंग की फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जिनके ऊपर ध्यान देकर आप फेक लोगों से बच सकते हैं और अपनी स्वैपिंग को सक्सेसफुली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। नंबर वन, कि जब भी आप कपल का सिलेक्शन करें, सपोज आप अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी ऑनलाइन ऐप आप यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू आप कपल से मीटिंग सेट कर रहे हैं, और मान लो आपको कोई कपल समझ आ भी जाता है, तो एकदम से उसे हाँ ना करें। स्पेशली आपने फ़ोन पे बात करी, वीडियो कॉल करी और हाँ कर दी, तो ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए। आप उससे मीटिंग फिक्स कीजिए किसी भी पब्लिक प्लेस पे, कोई CCT हो गया, कुछ भी ऐसा, और वहाँ पर उससे अपनी वाइफ के साथ आने के लिए बोलिए। क्योंकि अगर वो जेन्युइन कपल है और एक्चुअल में स्वैपिंग करना चाहता है तो अपनी वाइफ से तो कुछ छुपाएगा नहीं, तो उसे साथ में लेकर आना ही पड़ेगा, और यहाँ पर आपको उसे जज करने का मौका मिलेगा। अब दूसरा, कुछ लोग ना डेढ़ शाने भी होते हैं। अब मान लो कि कोई स्वैपिंग के फैशन में किसी को उठाकर ले आया साथ में कि भैया ये तो मेरी वाइफ है, कोई ऑफिस में काम करने वाली है या फिर कोई कॉल गर्ल है, प्रोस्टिट्यूट है, उसे उठाकर साथ में ले आया, कैसे पता लगाओगे? तो उसके डॉक्यूमेंट जरूर देखिए, उसे वेरीफाई कीजिए सही में ये हस्बैंड वाइफ है या नहीं, उसको अच्छे तरह से उसकी बातों से परखने की कोशिश कीजिए कि जेन्युइन है या नहीं। लीगल डॉक्यूमेंट चेक करना ना भूले, उनको अच्छे से हर तरह से अपने पैरामीटर पर जज करें, तभी आगे कोई फैसला ले। अब चलो, जो सामने वाले जो कपल हैं आपके हर पैरामीटर पे खरे उतर गए, मतलब जेन्युइन है, आपने अच्छे से जांच परख लिया और अब आप रेडी हैं स्वैपिंग के लिए, फिर भी इन फ्यूचर में किसी तरह की ब्लैकमेलिंग कोई ना हो जाएगी, और बाय चांस कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्तों में खटास पड़ गई है, सामने वाला कुछ ज्यादा ही शातिर निकल गया है, तो हो सकता है वो अपनी वाइफ को पूरा कंट्रोल में करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो आप इससे बचने के लिए अपने पास कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्डिंग, कोई ना कोई ऐसा प्रूफ जरूर रखिए कि हाँ ये जो स्वैपिंग हुई थी आप दोनों की मर्जी से। वैसे ऐसा देखने को कम मिलता है, क्योंकि कपल स्वैपिंग होती है तो अगर एक का घर टूटता है तो दूसरे का भी तो उजड़ता है, तो ये चांसेस कम होते हैं। लेकिन वक्त का तो कुछ भरोसा नहीं ना, दिक्कत क्या है अगर सेफर साइड रख के चले, ना तो आप उसके घर उजाड़ने वाले ना ही वो आपका, तो परेशानी किस बात की है। लेकिन सेफर साइड रख के चलना अच्छा रहता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। स्वैपिंग के लिए जब भी कपल का सिलेक्शन करे तो इस तरह के कपल का सिलेक्शन करे जो कि आपकी फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकल लेवल को सूट करते हों, फाइनेंशियल स्टेटस में भी वो आपके बराबर के हों। क्योंकि जब भी आप स्वैपिंग करते हैं तो वहाँ प्राइवेसी मेंटेन करने की जरूरत होती है, और प्राइवेसी मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है, तो सारे खर्चे एक ही कपल क्यों उठाए जबकि मजे दोनों को लेने हैं। तो बेटर है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस से मैच करे और फाइनेंशियली आप दोनों बराबर के भागीदारी रहे। अब एक लास्ट पॉइंट, जब भी आप स्वैपिंग के मैदान में उतरे तो कभी भी फुल स्वैपिंग में प्रवेश ना करें, एंट्री ना करें, हमेशा सॉफ्ट स्वैप इसको पहले ट्राई करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप फैशन में स्वैपिंग करने का सोच रहे हैं तो आपके नशे उतर जाएंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इन चीजों के लिए बना भी हूं या नहीं, या फिर स्वैपिंग के लिए मैं अपनी वाइफ को जो इतने टाइम से रेडी कर रहा हूं, मैं ये जब एक्चुअल में होगा तो झेल भी पाऊंगा या नहीं। तो ये सब चीजें आपको पता लगेंगी सॉफ्ट स्वैप में जब आप एंट्री करेंगे। सॉफ्ट स्वैप क्या होता है? सॉफ्ट स्वैप में दो लोगों में डायरेक्ट पेनिट्रेशन नहीं होता, इंटरकोर्स नहीं होता, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से किसिंग, स्मूच, ये सब चीजें की जाती हैं, और इसी चीज से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको ये स्वैपिंग आगे जाके सूट करेगी या नहीं करेगी। अगर आप इसके लिए बने हैं तो आप इसमें कंफर्टेबल होके फुल स्वैपिंग के लिए भी रेडी हो जाएंगे, अगर आपके लिए ये चीजें नहीं है तो आप बैक ऑफ कर जाएंगे। तो डायरेक्ट स्वैपिंग में ना घुसने की बजाय आप सॉफ्ट स्वैप को पहले ट्राई कीजिए।
आप ऐसा रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा रेसिपी भी सेम रूम सेम पार्टनर, ये भी सॉफ्ट स्वैप जैसी ही चीज होती है जिसमें दो कपल होते हैं और वो अपने अपने लीगल पार्टनर के साथ फुल पेनिट्रेशन करते हैं, सेक्स करते हैं, लेकिन दूसरे कपल के नजरों के सामने। तो यहां पर भी आपको समझ में आएगा कि जो स्वैपिंग है वो चीज क्या है, क्योंकि अभी तो आप अपने लीगल पार्टनर के साथ ही फुल पेनिट्रेशन कर रहे हो लेकिन दूसरे लोगों के सामने आपको नंगा होना पड़ रहा है, तो आप कंफर्टेबल हो? और साथ ही साथ आपको दूसरे की भी परफॉर्मेंस जज करने का मौका मिलता है कि मान लो अगर आप माइंड से फुली प्रिपेयर्ड हो कि आपको तो भाई स्वैपिंग करनी ही करनी है, तो आपने सामने वाले को आजमा भी तो लिया कि वो कैसा है या कैसी है, दिखने में कैसी है, मुझे इसके साथ आगे करना है या नहीं करना है, तो आप डिसीजन ले पाते हैं। तो स्वैपिंग में आना कोई मजाक नहीं है, लेकिन हाँ अगर लोगों का मूड है कि वो आना चाहते हैं तो बस इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप किसी गलत लोगों के हाथों में ना पड़ जाएं। So thank you so much.